हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह तैयार होके जा रहे हैं हम लोग मंदिर। तो चलिए आप लोग, और ये देखिए हमारा सफ़र शुरू हो गया है। और हम जाएंगे आज भद्रकाली मंदिर, अहमदाबाद की फेमस भद्रकाली माँ के दर्शन करने जाएंगे। फिर वहाँ से लांभा जाएंगे, वहाँ बढ़िया देव हैं, मतलब शीतला माँ का मंदिर है। वहाँ पर ठंडा खाना खाते हैं हम, रात को बना लेते हैं और सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, तो वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो ये देखिए BRTS स्टॉप आ गया है। अब ये कहाँ का है वो मुझे इतना नहीं पता है, मैं रास्ते के बारे में, जगह के बारे में नहीं पता चलता है। मम्मी से पूछ लेती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ। तो बस चलते रहिए, बहुत जो जो मेन चीज़ें दिखेंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी अच्छी अच्छी सीधी सैयद की जाली भी दिखेगी। और पहले जो पुराना अहमदाबाद है ना, वो 9 दरवाजों के अंदर ही था, मतलब दरवाजों के अंदर, जैसे किले टाइप का नहीं होता है, उसके बाहर। तो अभी तो इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि बहुत बाहर चला गया है। तो ये मेन अहमदाबाद है जो पुराना है, तो वहीं पे ये मंदिर है, किला है, छोटा सा किला है, उसके अंदर ही है ये मंदिर। तो जो लोग अहमदाबाद में हैं उनको तो सब पता ही होगा, जो बाहर के हैं उनके लिए है ये जानकारी। एक ये दरवाज़ा, ये शायद दिल्ली दरवाज़ा है, दो तीन दरवाजे दिखेंगे तो मैं उनको दिखाया है। और ये अब हम पहुंच गए हैं भद्रकाली मंदिर। ये देखिए बाहर से ऐसा दिखता है, बहुत पुराना मंदिर है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर फ़ोन तो ले गई थी, मैंने सोचा था जल्दी से वो कर लूँगी, पर अंदर है ना पुलिस वाले भी होते हैं, लेडी पुलिस थी, उन्होंने ना बोल दिया, बोले नहीं आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं खींचेंगे। तो यहाँ से बस हम एंट्री कर रहे हैं, वहाँ तक ही दिखा पाएंगे। और ये जो दीदी आई थी ना, हमारे यहाँ गेस्ट आए थे ना, वो हैं, उनकी लड़की है, सोमू है, धैर्य, और सब मम्मी शायद साइड से गई होंगी, तो सब आगे पीछे हैं और मैं पीछे पीछे हूँ। और यहाँ तक कहीं आपको शायद दिखेगा, हाँ इतना ही दिखेगा। फिर भीड़ भी होती है ना, फिर मुझे पूरे टाइम फ़ोन लेके वो भी कम अच्छा लगता है। तो अब ये थोड़ा बाहर का दिखा रहे हो, यहाँ मार्केट लगने ही वाला था बहुत। ये देखो पापा हैं और ये भैया हैं, तो यहाँ पे खड़ी थी, दुकानें लगी थी, अभी स्टार्ट ही हुआ था, बहुत भीड़ होती है बहुत। और ये देखो सीधी सैयद की जाली है, स्टार्ट हो गई है। अब ये सामने से और दिखेगी, ओफो गाड़ी का कांच थोड़ा गंदा था तो देखो मिट्टी मिट्टी दिख रही है। ये देखिए ये भी बहुत फेमस है, पास में है ना, सामने से इन्होंने थोड़ी सी देर गाड़ी रोक दी थी। तो ये देखो जिन्होंने नहीं देखी है, सिर्फ नाम सुना है, उनके लिए है। अहमदाबाद वालों को तो पता ही है, गुजरात वालों को भी। और यहाँ हमारा खाना स्टार्ट हो गया, हमने लांबा में दर्शन भी कर लिए थे और अब हम यहाँ खाना खाने बैठे। गुड़िया कितनी बड़ी सी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा है, ये तो पूरा हॉल बना रखा है। और इसके फ़ैन देखो कितने बड़े बड़े फ़ैन हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सा चारों तरफ जो भी आता है सब यहाँ पे बैठ के खाना खाता है। और ये मैं आसपास का दिखा रही हूँ, बहुत भीड़ थी इस बार, हम थोड़ा लेट हो गए थे तो भीड़ थी, नहीं तो हमें कभी भीड़ नहीं मिलती। और ये देखिए बच्चों के लिए, ये देखो पापा और धैर्य, मतलब धैर्य अपने दादू के साथ है। और यहाँ इधर साइड सोमू भी है, झूला झूल रहा है और ये लटक रहा है, अभी गिरने वाला है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, गार्डन है नहीं हमारे पास, मतलब हमारे घर के पास आस पास, तो वो कर नहीं पाते। जब कभी जाते हैं तो बहुत शौक लगता है करने का, पर हो नहीं पाता, ये इसमें प्रैक्टिस चाहिए ना, पूरा कर ही नहीं पाया था, बीच में ही गिर जाता था। और ये उसके पापा। तो बस चलो अब आप थोड़ा म्यूजिक सुनिए, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where the anger changed just one. Focus on love. Focus, focus on love.
7 से ऊपर हुआ टाइम में आरती कराई हूँ। और आज हम लोग गए थे अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर है, फेमस मंदिर है, वहाँ पर गए थे। तो वो आप लोगों को वीडियो में दिखेगा, पर अंदर मोबाइल तो ले गए थे पर फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे, तो माता जी के दर्शन नहीं करा पाऊँगी। तो जो यहाँ से होंगे उनको तो पता ही होगा, पर जो बाहर से होंगे उनको नहीं हो पाएंगे। और एक लांभा मंदिर गए थे, वहाँ तो बहुत भीड़ थी, तो वहाँ तो मोबाइल निकालने का ही वो नहीं रहा कि चलो मोबाइल लेके वीडियो बनाया जाए। बस गार्डन में बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं वो सब आप देख सकते हो। और मौसम तो ऐसा लग रहा है कि बारिश तो सावन तो है ही नहीं, सावन सूखे जा रहे हैं अभी। और किसके यहाँ बारिश हो रही है, बहुत गर्मी सी फिर से स्टार्ट हो गई है। और मैं बहुत टाइम बाद छत पे आई हूँ इस टाइम पे, और कभी आगे पीछे हो जाता, शायद ही अभी 4-5 दिन से नहीं आ पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो मैं कहलाओ थोड़ा ऊपर टहल के आते हैं। तो चलो आप लोग देखते रहिए वीडियो, मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। हमारे यहाँ घर पे वो साड़ी वाली आती है लाइन में, वहाँ से साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो आप लोग भी विंडो शॉपिंग कर लीजिए, और कौन कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है ज़रूर बताना। और इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करती हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।